कैसे हैं, मैं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। आज 21 अगस्त को सिलेबस आ गया है लोअर पीसीएस का। आप लोगों को पता होगा लोअर पीसीएस की परीक्षा जो कि 15 सितंबर को बेसिकली होनी थी, होगी भी यही उम्मीद है। उसका सिलेबस इन्होंने अनाउंस कर दिया, सिलेबस जैसी उम्मीद थी लगभग वैसा ही आया है। हाँ, थोड़ा सिलेबस लाने में इन्होंने लेट जरूर कर दिया है, लेकिन जो लोग सिलेबस के इंतजार में नहीं थे उनको फ़ायदा होगा, बिकॉज जैसा पिछले कुछ परीक्षाएं हुई हैं बिल्कुल वैसा ही गया है। 150 क्वेश्चन होने जा रहे हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और उसके बाद ये आपके पोर्शन है, जिसमें उस टाइम भी डिस्कस किया गया था कि जो ज़्यादा वेटेज होगा वो आपका GS प्लस हिंदी को लेके होगा, और वही हुआ है। देखिए, साइंस का वेटेज इसमें हमें बढ़ा है, कम से कम 25 प्लस 5 क्वेश्चन और लगा लीजिए तो करीब 30 क्वेश्चन इस 75 में से, हम ये मान के चलते हैं कि करीब 25 क्वेश्चन आपको अंक गणित के मिलेंगे, है ना। तो 25 एक तरफ से, और इस सामान्य ज्ञान में भी कुछ साइंस के क्वेश्चन होंगे, पर्यावरण संबंधित मिला लीजिए, तो 30 क्वेश्चन तो साइंस के ही आ रहे हैं। तो इस समय में आप लोगों को कौन सा पोर्शन अगर आप देखा जाए कि पढ़ने लायक है, या कौन सा क्वेश्चन तेज़ी के साथ पढ़ के आगे निकलने लायक है, क्योंकि समय कम है, इस समय आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, कंसेप्ट पढ़ने का समय नहीं है। तो देखिए, साइंस, एनवायरमेंट और हिंदी, इसको आप फोकस कीजिए। हिंदी के सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बहुत सारे मिल जाएंगे, वो UPPCS प्लस UP SSSC के, वही कर लीजिए, लगभग रिपीट होते हैं। उसके बाद बात आती है हिस्ट्री की और पॉलिटी की, तो हिस्ट्री पॉलिटी लगभग 75% रिपीट होती है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर करिए, उसके और कुछ भी नया मत करिए। हाँ, स्टेट वाला टॉपिक है तो स्टेट के टॉपिक देख लीजिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फंडामेंटल के टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लीजिए, और एग्जीक्यूटिव के जो हमारी कार्यपालिका है उसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लीजिए, और कुछ सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के, वहाँ से पॉलिटी लगभग आपकी कवर हो जाएगी। कुछ करंट अफेयर्स के साथ आपको कवर करनी पड़ेगी पॉलिटी। करंट अफेयर्स देखिए, कम से कम जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक का हमें जरूर करना होगा, क्योंकि 15 अगस्त तक का करंट अफेयर आ सकता है लेटेस्ट। कुछ करंट अफेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आने ही आने हैं, 370 हो जाए जो, या जितनी जो घटनाक्रम हुए हैं, जो नई सरकार बनी है, बजट आया है, क्योंकि बजट भी 2 बार आया ना, उस पर ध्यान देना है, और यूपी का बजट और यूपी का इकोनॉमिक सर्वे आपको देखना होगा, वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो इन 20 से 25 दिनों में अगर देखा जाए, 20 दिन मांगे चलते हैं, तो आपको स्कोरिंग यूनिट कौन कौन सा है, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स तो सभी परीक्षाओं में लगभग समान आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन ये, और इस साइंस का वाला जो पोर्शन है, यहाँ आपका बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे ही मेरिट में काफ़ी ज़्यादा शूट आ सकता है मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग अमूमन लगभग लगभग हो सकती है। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा ज़्यादा डोमिनेट करता, तो अगर आप अंक गणित को अच्छे से करके जाते हैं तो यहाँ आप लगभग कुछ क्वेश्चन को निकाल लेंगे। और हिंदी में 25 क्वेश्चन में आपको 18 से 20 क्वेश्चन आप लगभग सही कर सकते हैं, साधारण रूप से बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन भी पढ़ के जाएंगे तो भी, ठीक है ना। आपको बहुत गूढ़ अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो भी वहाँ से आप निकाल लेंगे क्वेश्चन को। तो सब मिला के फोकस यही है कि मुख्य रूप से फोकस रखना है साइंस के ऊपर, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, क्योंकि इस 75-80 क्वेश्चनों में साइंस के, एनवायरनमेंट के, ज्योग्राफी के करीब 40 क्वेश्चन होंगे, गारंटी है, 40 से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन की श्रेणी होती है मिसलेनियस की, वो किसी में नहीं आते हैं, तो उसको आप लूसेंट के आखिरी कुछ पेजेस से भी कर सकते हैं, या घटना चक्र जो पूर्वावलोकन होती हैं वहाँ से भी मिसलेनियस क्वेश्चन को उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब ज़्यादा समय नहीं है, और इस समय का उपयोग आप ज़्यादातर क्वेश्चंस करने में करेंगे, ना कि कंसेप्ट को समझने में, क्योंकि कंसेप्ट अगर समझेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको पेंडिंग दिखेंगी, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू अगर कंसेप्ट कर लेंगे तो शायद चीज़ें आसान होंगी। चैनल पे आप लोगों को लगातार एक दिन में 1 से 2 प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, जो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।